केजरीवाल ने जी हमारे साथ धोखा करा, कोरोना काल में सभी को उन्होंने 1 करोड़ कर रुपया दिया, जो शहीद हुए हैं सफाई कर्मचारी, हमारा सफाई कर्मचारी शहीद हुआ उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। वोट मांगने आया केजरीवाल, जब तुम्हें कहता सबको पक्का करूंगा, सबको पक्का करूंगा, आज केजरीवाल भी गुजरात में बैठा चोर। हमारी 20 रुपये में नौकरी होती है, केजरीवाल तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हम ये 20 रुपये में नौकरी है। ताल आपको सर्विस करते हुए हुए एमसीडी में, हमारे को तो 25-30 साल हो गए, कुछ आदमी डेथ एक्सपायर भी हो गए हैं। हमारे बीच में फैलोकल के महासचिव बहुत ही तेजस्वी विचार, बहुत ही तेजस्वी। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम हिम्मतगढ़ में, और साथ में आपको बताते चलूं कि इस वक्त जो यहाँ के सफाई कर्मचारी एमसीडी के यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए, अपनी डिमांड्स को लेके आप यहाँ के कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं आपके, आप प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हो। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय राम भाइयों, हाथ जोड़ के जय राम, जय भीम, जय वाल्मीकि। आप बताएं कि क्या क्या समस्या आपको आ रही है जब आपको ये प्रोटेस्ट कर रहे हो? नहीं तो हमें पक्का किया जा रहा है, और नहीं हमारी सैलरियाँ टाइम पे है, अब भी एक सैलरी हमारी दाब के बैठे हैं, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, इसका कोई जवाब नहीं हमारे पास। दुकानदार पैसे मांगता है तो हमारी गिरबान का बिल बढ़ जाता है, तो हम लोगों के अपने घर में जाते हैं। इस निगम का हमें क्या फ़ायदा हुआ है? 2010 से हमारी माँ की सर्विस थी, हमें बहुत हाथ जोड़ कर मिली ना मिली, बराबर भूखे मारने वाला अंजाम। पहले 190 हाजरिया में कर्मचारी को पक्का किया जाता था, सीजी पोस्ट वालों को, आज मुझे 10 साल हो गए हैं। क्या 10 साल में हमें भी कोई हक नहीं पक्का होना है? हमारे 217 आदमी फरोड साबित करके दिखा दिए, कैसे दिखा दिए, जिनने 25-26 साल हो गए। कल केजरीवाल भी झूठे वादे कर गया, और मोदी ने तो ऐसा कर दिया, हम 20 रख पैसे दे मारे, ना तो हम केजरीवाल को वोट दे ना हम मोदी को देंगे। वाल्मीकि समाज की तो वोट कभी खत्म हो सकी दोनों पार्टियों से। एमसीडी तो केजरीवाल के अंडर आते हैं ना, केजरीवाल के सामने आपने डिमांड रखी कि हमें रेगुलराइज वगैरह कर। घर घर वोट मांगने आया केजरीवाल, जब तो कहता सबको पक्का करूंगा, सबको पक्का करूंगा, आज केजरीवाल भी गुजरात में बैठा चोर। गुजरात में कौन देखा, जब दिल्ली गए हैं उसके सैनिक भूखे मरण लाग रहे, तो गुजरात में कौन जानेगा उसने? यानी केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया हम पक्का करेंगे वो पूरा नहीं किया? कुछ भी पूरा नहीं किया है। आज हम इस रोड पे है, इस स्थिति पे है, ये मेरा हाल ही देख लो ना, ये कंडक्टर देख लो ना, हमारे का पैंट तक उतरवा के देख लेते हैं टीआई, कभी 15 रुपये लोगों का तो नहीं बैठा ये। हमारी 20 रुपये में नौकरी होती है, केजरीवाल तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हम ये 20 रुपये में नौकरी है। कितनी सैलरी, कितनी आपकी महीने की सैलरी आती कितनी? 13,700 सैलरी है, 13,700 में 5 सदस्य खानियाँ मेरे घर के, 7वां मैं हूँ। तो टाइम पे भी वो भी नहीं मिलती है? वो भी टाइम पे नहीं मिल रही है। और 10 साल आपने सर्विस की, अब परमानेंट भी नहीं किया आपको? कोई परमानेंट नहीं किया, हमारे तो मानस भी मर जाते हैं, हम तो चोरा कट कर गए, जितने भी आए एमसीडी में सारे भ्रष्टाचार चोर, कमिश्नर भी चोर, ना कमिश्नर ने हमारी सुनी। कमिश्नर के पास आज तक आपने कोई बात रखी कि हमें रेगुलराइज करो? इतनी बार धरना प्रदर्शन कर लिया कमिश्नर, यो ये एक ही बैठा कमिश्नर, और कोई कमिश्नर ही नहीं है इसमें, कम से कम ये 4थी-5वीं बार धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये 5वीं बार हो रहा है। ये बताओ क्या सर हमारे लिए कुछ नहीं है क्या? अगर ये दिल्ली पुलिस की सैलरी रोको, DTC की रोक कर दिखाओ और मना दें ये, क्योंकि गरीब तो गरीब ही होता है और ठाडा ठाडा ही होता है, ठाडे की तो सुनवाई बाज को हो जा। पंजाब से कितने आदमी आके पड़े थे, कम से कम 100 करोड़, और सारे बॉर्डर घेर रखे थे, अपनी इनकी सारी मांग मान ली मोदी ने और केजरीवाल ने भी, क्यों वाल्मीकि समाज के साथ ही अत्याचार कराइए? क्या उठाया वाल्मीकि समाज ने इनका, इनका बड़ा हवा कर दिया, ये उठावा कर है, पर यह उम्मीद छोड़ दो वाल्मीकि समाज की वोट मिले ने, दोनों पार्टियाँ ने कति नहीं मिलेगी। सुनने में तो ये भी आता है कि जब आपको सफाई कर्मचारी पे कोई प्रॉब्लम आती है या किसी की जान चले जाती है तो करोड़ों रुपए दिया जाता है। हमें कुछ नहीं मिला और ना हमारे कर्मचारी को मिला है, हमें तो एक बीमारी का कैसले कार्ड तो देते नहीं है, ये करोड़ रुपए की तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब क्या डिमांड आपकी सरकार से रहेगी? अब ये डिमांड हमारी है कि हम अपने बच्चों का पालन कर सकते हैं, एक मिनट माता जी, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं हम,
और हमें कच्चे को जगह हमें पक्का किया जाए। 25-25-30-30 साल से ये हमारी माता ये कच्ची बैठी, कुछ नहीं कर पा रहे हम। क्या 13,000 में आपके घर का गुजारा हो जाता है? कोई नहीं गुजारा होता, महीना होने से पहले भीख मांग लेते और बाबूजी 1,000 रुपये दे दो हम आपको तनख्वाह आगे जब दे देंगे। वो तनख्वाह के 6 महीने पाछे वो ले लेता 5 रुपये सैकड़ का ब्याज, वो लेता 10 रुपये सैकड़ का ब्याज, और जब तनख्वाह आएगी तो आएगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सही है, 13,000 में यहाँ का घर नहीं चलते हैं, क्योंकि 13,000 में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। चलो अगर 13,000 में घर चल भी लेता, लेकिन वो भी उनको टाइम का नहीं मिलता। कुछ माताजी हमारे साथ है, माताजी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माताजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। मेरा गढ़वा ट्रांसफर होया, उसके पैसे नहीं मिले अभी तक भी। पक्का होया उसके पैसे भी नहीं मिले अभी तक भी। 7 साल लगो गए, 8 साल लगे जिससे पक्के हो। आप पके कितना टाइम हुआ पके हुए को? पक्के हुए तो मेरा घरवाई 8 साल होगी, वो गुजर भी गया। पेंशन भी नहीं बनी मेरी, पेंशन भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना हमारा। आपका डिमांड आपकी सरकार से रहेगी? सरकार से देगी जब कहाँ से हम खाओ क्या करा, हमारे पास में कोई रोजगार है नहीं। क्या क्या डिमांड्स आपकी और किसके अकॉर्डिंग आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो आज? ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? ये मैं राजेश वाल्मीकि, हमारे बीच में आदरणीय राजेंद्र सनोटिया जी एवं समस्त साथी करना है, और हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई वैसे भीख नहीं मांग रहे। हमें टाइम पे तनख्वाह मिल जाए, हमारा रिटायरमेंट आदमी का पैसा समय पे मिल जाए, हमारे कर्मचारी जो डेथ कर गए हैं उनकी जगह भर्ती हो जाए। क्या मांग रहे हम अपना? ये तो हमारा मूल अधिकार है। हमारा सफाई कर्मचारी अगर बीमार हो जाता है काम करते करते, तो उसे टाइम पे तनख्वाह या मेडिकल के एलएस मिलना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है, कोई साधन की सुविधा नहीं है। यहाँ कमिश्नर साहब बैठे हैं एसी में, मजदूर कर रहा रोड पे काम। यहाँ बिल्कुल सुविधा की कोई वो नहीं है। सफाई कर्मचारी भाड़ में ये सिस्टम बना रखा है कमिश्नर साहब ने। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि केजरीवाल ने जी मैं हमारे साथ धोखा करा। कोरोना काल में सभी को उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया है, जो शहीद हुए हैं सफाई कर्मचारी। हमारा सफाई कर्मचारी शहीद हुआ उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। ऐसा अन्याय क्यों क्यों हमारे साथ दोहरा हुआ करते हैं ये? और आगे हमारे राजेंद्र सनोटिया जी हैं जो पूरी दिल्ली के महासचिव हैं, वो बताएंगे। अभी तक क्या कोई डिमांड आपने सरकार तक रखी कि हमें रेगुलराइज किया जाए या नहीं? देखिए कई वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं, डिपार्टमेंट हाथों भरता है, पक्के कर देंगे, एरियर दे देंगे, लेकिन अपने वादे से मुकर जाता है। अब दिल्ली के 3 जो हिस्से थे वो पूरी दिल्ली एक हो चुकी है, बड़ी उम्मीद थी कि जो नाजायज़ खर्चा होता था वो खर्चा बचेगा और कर्मचारियों को समय से पक्का किया जाएगा, समय पे उनके एरियर लाभांश दिए जाएंगे, लेकिन वो अब तक भी उसी वही रबिया डिपार्टमेंट बनाए हुए है, कोई अधिकार कर्मचारी के समय पर नहीं दिए जा रहे। सैलरी जो तनख्वाह होती है वो भी समय पे नहीं मिलती है? देखिए सैलरी जो है अब भी ईस्ट MCD होता था उसमें भी लेट चली हुई है, और नॉर्थ की भी एक सैलरी पीछे है, साउथ की बराबर सैलरी मिलती थी, लेकिन वो अब तक भी ये सैलरी बराबर नहीं कर पाई सभी की, पूरी दिल्ली की अब भी सैलरी 1 महीना 2 महीना पीछे चली हुई है। सर आप बताएं हमें क्या डिमांड आपकी सरकार से रहेगी इस प्रोटेस्ट को एकाइन, क्या आप लोगों को रेगुलराइज किया जाना चाहिए या नहीं? हमारी मांग डिमांड एक ही है, जितना भी वो कर्मचारी लगा हुआ सभी को पक्का किया जाए, सबको इमीजिएटली पक्का कर दिया जाए। लगभग कितने टाइम से आप सर्विस कर रहे हो, कितने साल आपको सर्विस करते हुए हुए MCD में? हमारे को तो 25-25-30 साल हो गए हैं, कुछ आदमी डेथ एक्सपायर भी हो गए हैं पक्का ना होने की वजह से, और कुछ आदमी हो गए काम भी रुके हुए हैं, जैसे ब्याह शादी करने के लिए कर्मचारी वह 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से पैसा उठाता है। हमारे को तो करोड़ मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती, ठीक है। बीजेपी सरकार 20-20 करोड़ में विधायक खरीद रही है, कर्मचारियों को पैसा नहीं देती, तो ये क्यों अन्याय कर रहे हैं? किसी कर्मचारी का भला हो जाए उसका भला नहीं होने देते। नगर पार्षद है उसके गुर्गर नगर पार्षद बीच मार्चन डाल देते हैं, काम के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है कर्मचारी, उसको ना तो खाने का टाइम दिया जाता ना कोई बैठने की सुविधा है, और ये जो काउंसलर के गुर्गे हैं ये कर्मचारियों को उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारी जो सरकार से यही डिमांड है भाई, जितना भी कर्मचारी है सबको इमीजिएटली पक्का किया जाए।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जो फेक वादे जो होते हैं, ये वही सफाई कर्मचारी हैं जो पूरी सिटी को क्लीन रखते रात दिन 24/7 जो काम करते हैं। कोविड में भी इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इनको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया है। किसी को 10 साल सर्विस में हुए, किसी को 20 साल सर्विस में हुए, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वैसे ही जो भी वादा जिससे करते हैं पूरा करने का तो उनको आता नहीं है, फेक वादे वो करता है सीएम अरविंद केजरीवाल। इन लोगों को भी वादा किया गया था कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे, जब हम सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे हम आपको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कुर्सी पर तो इन जनता ने इनको बिठाया लेकिन सीएम ने अपने वादे से मुकर के इनको रेगुलराइज नहीं किया। कहीं ना कहीं इन लोगों की डिमांड सरकार से, मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, कि हमें रेगुलराइज किया जाए। आप जुड़े रहिए हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ, मैं राहुल शर्मा आपके साथ।